सभी भक्तों को जय माता की। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। अगर आप आज का ये एपिसोड देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि या तो आप आज के इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, या अगर आप इस एपिसोड को छोड़कर जाना चाहते हैं तो अभी छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा बनाते हैं। एपिसोड लंबा बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं ज़्यादा व्यूज़ को बढ़ाना चाहता हूँ या मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाना चाहता हूँ, नहीं। वीडियो लंबा बनाने का ये कारण होता है कि उपाय जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो उपाय अच्छी तरह से आपके समझ में आए, कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे जो आपको समझ में ना आए। क्योंकि बाद में बहुत सारे भक्तों के प्रश्न रह जाते हैं कि शास्त्री जी उपाय को किस तरह करना है, किस टाइम करना है। हालांकि सारी जो चीज़ है मैं उपाय में आपको समझा देता हूँ, फिर भी बहुत सारे भक्तों के प्रश्न रह जाते हैं। अगर आप आज के इस एपिसोड पर आए हैं तो आपको आज के इस एपिसोड में से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा आसान उपाय जो करते ही आपकी दुकान में ग्राहकों की लंबी लंबी लाइन लग जाएंगी। अगर आपकी दुकान में बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आते तो आपको आज का ये एपिसोड पूरा देखना चाहिए। केवल और केवल एक ही उपाय बताऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इस एक उपाय को कर लिया तो आपकी दुकान कभी भी ग्राहकों से खाली नहीं रहेगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक ऐसा पौधा जिसकी जड़ को आपने अपनी दुकान में रखना है, कहां पर रखना है, किस तरह से रखना है, जिससे आपकी दुकान में ग्राहकों की लंबी लंबी लाइन लगना शुरू हो जाए। ये जो हम मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही करते हैं कि आपकी दुकान में ग्राहक आते रहें, आपकी दुकान कभी ग्राहकों से खाली ना हो। तो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड को पूरा देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए अब भोलेनाथ भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो अभी हम ढूंढने जा रहे हैं उस पौधे को जिसकी जड़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपने अपनी दुकान में रखनी है। किस तरह से, कैसे, क्या उसकी विधि होगी, सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अच्छी तरह से। एक एक स्टेप आपने सुनना है ताकि उपाय को करते समय किसी प्रकार की कोई भी गलती आपसे ना हो। प्यारे बंधुजनों, इससे पहले भी वनस्पति और जड़ी बूटियों पर आधारित दुकान की बिक्री को बढ़ाने को लेकर बहुत से उपाय मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं और मुझे बताने में बेहद प्रसन्नता होती है कि आप उन सभी एपिसोड्स को बहुत प्यार देते हैं, जिनके लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जब तक हम वो पौधा ढूंढते हैं तब तक मैं आपको बता देता हूँ इस पौधे की जड़ को आपने कब और कैसे कहाँ पर रखना है। सबसे पहले तो इस पौधे की जो जड़ है उसको आपने रवि पुख्य नक्षत्र में लेकर के आना है। पंचांग में, कैलेंडर में रवि पुख्य नक्षत्र दिया होता है कि किस दिन है। उस दिन आपने इसकी जड़ को चांदी की डिब्बी में डालकर अपनी दुकान का जो कैश बॉक्स होता है उसमें रखना होता है। अब हमें वो पेड़ भी मिल गया है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ साथियों। ये यही है वो पेड़ जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको चिरचिरा भी बोलते हैं, अपामार्ग भी बोलते हैं और कई जगह पर इसे पुटकंडा भी बोलते हैं। करीब से मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको। इसके जो ये बीज होते हैं, जब आप इस पौधे के पास लगते हैं तो आपके कपड़ों से ये चिपट जाते हैं, इसीलिए इसे चिरचिटा भी कहते हैं और
इसको पुटकंडा अपामार्ग भी कहते हैं। इस पौधे की ही जड़ आपने लेनी है। रवि पुख्य नक्षत्र में इसकी जड़ आपने लेकर के आनी है और अपनी दुकान में रखनी है चांदी की डिब्बी में डालकर। लेकिन उससे एक दिन पहले आपने इस पौधे को निमंत्रण दे करके आना है कि हे वनस्पति, कल मैं आपको इस समय पर लेने आऊंगा, आपने मेरे साथ चलना है और जिस मनोकामना के लिए आप इसे लेकर के जा रहे हैं इनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है कि जिस पौधे को आपने निमंत्रण दिया है वही पौधा आपने लेकर के जाना है, उसकी जगह अन्य दूसरा कोई पौधा नहीं होना चाहिए। तो अगले दिन उसी टाइम आपने इसको लेने आना। इस समय एक दिन पहले आप कहकर गए थे कि मैं इस समय आपको लेने आऊंगा। तो साथियों, रवि पुख्य नक्षत्र को आपने चांदी की डिब्बी में इसकी जड़ को डाल करके अपनी दुकान के जो कैश बॉक्स है उसमें आपने रख देना है और कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। आपकी दुकान में ग्राहकों की लंबी लंबी लाइन लगना शुरू हो जाएंगे। देखिए कितना आसान और कितना सरल उपाय आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो अगर एपिसोड पसंद आया है लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता की।